खबर का रुख करते हैं, आपको बताते हैं सीएम योगी ने कोरोना को लेकर बैठक की है अफसरों के साथ। सीएम योगी की बड़ी बैठक, सीएम योगी ने प्रदेश में कोरोना को लेकर समीक्षा की है। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी बैठक में मौजूद रहे, अफसरों के साथ ये बैठक की गई है। एक बार फिर कोरोना को लेकर समीक्षा मुख्यमंत्री ने की है, उसी को लेकर तमाम अधिकारी इसमें मौजूद रहे और डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। अफसरों के साथ सीएम योगी की बड़ी मीटिंग सामने आई है और एक बार फिर कोरोना को लेकर जिस तरह के हालात बताए जा रहे हैं, चिंता व्यक्त की जा रही है, उसको लेकर सीएम ने बैठक की है, समीक्षा की है। सीएम ने कोरोना को लेकर जानकारी जुटाई है और तमाम दिशा निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने प्रदेश में कोरोना को लेकर ये बैठक की है, तो सीएम योगी ने कोरोना को लेकर तमाम जानकारी जुटाई है, जिसमें उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक भी शामिल हुए हैं और तमाम अधिकारी तमाम नेता इस बैठक में शामिल हुए और बातचीत इसमें की गई है और आगे की रणनीति भी इसको लेकर तैयार की जा रही है। अफसरों के साथ सीएम योगी की यह बड़ी बैठक, नरेंद्र यादव ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, जिस तरह से ये बैठक की गई है, एक बार फिर जिस तरह से कोरोना का खतरा, चौथी लहर का खतरा लगातार बताया जा रहा है, मुख्यमंत्री पूरी तरह से इसको लेकर सतर्क हैं और समीक्षा कर रहे हैं तमाम अधिकारियों के साथ, क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ी बैठक की है। ये टीम 9 की बैठक थी जिसमें डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी शामिल थे और इस बैठक में साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि कोविड बचाव के जितने भी नियम हैं उनका पालन किया जाए, मॉनिटरिंग की जाए और लगातार रैपिड टेस्टिंग की जाए। रैपिड टेस्टिंग पर जोर दिया गया है, साथ ही वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया गया है, जो 12 से 14 साल के बच्चों को लगाया जा रहा है, 15 से 17 साल के किशोरों को लगाया जा रहा है। ये सारे आंकड़े सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने पेश किए गए हैं और बताया गया है कि कल जो टेस्टिंग हुई थी पूरे प्रदेश में 1,30,000 हुई थी और जिसमें 35 लोग जो है कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं और कोविड के केसों के मामले में और कंट्रोलिंग के मामले में संतोष व्यक्त किया गया है और सीएम ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि कोविड को रोकने का लगातार प्रयास किया जाए और फैलने ना पाए इसके प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए। अस्पतालों को सतर्क रहने के को कहा गया है, साथ ही स्वास्थ्य अधिकारियों को भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपने दूसरे शासनकाल की ये पहली बैठक है जिसमें डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर बृजेश पाठक ने हिस्सेदारी ली है, इस पहली बैठक में शामिल हुए हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में कोविड को लेकर किए गए प्रबंध और अस्पतालों में ऑक्सीजन, दवाओं और स्टाफ के बारे में चर्चा की गई है और किस तरीके से टेस्टिंग तेजी से की जा रही, इन सारी चीज़ों को लेकर एक समीक्षात्मक बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। पूरे प्रदेश के आंकड़े लिए हैं और किस तरीके से काम चल रहा है, इन सारी चीज़ों पर उन्होंने फोकस किया है और इसके उचित और व्यवस्थित प्रबंधन के लिए साफ तौर पर सभी अधिकारियों को, जिम्मेदार अधिकारियों को, बिल्कुल तो जिम्मेदार अधिकारियों के साथ बातचीत की गई है, दिशा निर्देश दिए गए हैं नरेंद्र। लेकिन जिस तरह से यह पहली बैठक आप बता रहे हैं और वाकई पहली बैठक है दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद कोरोना की समीक्षा को लेकर, और स्वास्थ्य मंत्री और साफ तौर पर उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक भी इसमें शामिल हुए हैं और अधिकारी तमाम इसमें शामिल हुए हैं और बैठक में जो निर्णय लिया गया है साफ तौर पर पूरी तरीके से कोरोना की समीक्षा को लेकर लिया गया है। और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नरेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए।